दोस्तों अभी देखिएगा इस ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए कितना ज़्यादा यहाँ पे धक्का मुक्की होने वाला है, किस तरह से लोग यहाँ पर ट्रेनों में सफ़र करते हैं मुंबई के लोग, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पूरा लाइव वीडियो अभी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुंबई के ठाणे जिले में और आज हम चलने वाले हैं ठाणे रेलवे स्टेशन पर और आपको दिखाने वाले हैं कि बारिश के टाइम में ना वहाँ पर कितनी ज़्यादा क्राउड होती है और लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए किस तरह मारामारी करते हैं। भाई वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबको समान वहाँ पे तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप आगे जाइए हम आगे जाए, ऐसा नहीं है। सबको धक्का मुक्की देकर भाई साहब बाहर दिया जाता है और अपने आगे चढ़ने के लिए वहाँ पर ना सभी लोगों को धक्का दे दिया जाता है। तो अभी हम मौजूद हैं ठाणे के कपल्स पॉइंट एरिया पर, जहाँ पर भाई साहब खूब सुंदर सा तालाब है, पीछे हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति है, शिवा जी का मूर्ति है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम ठाणे रेलवे स्टेशन पर और बारिश के टाइम में आपको वहाँ का पूरा नज़ारा हम दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा है, कितनी क्राउड है और स्टेशन पर क्या माहौल है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फिलहाल गाइज हम लोग ठाणे रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। ये है टैक्सी स्टैंड यानी कि रिक्शा स्टैंड, यहाँ पर आपको कहीं भी जाने के लिए रिक्शा वगैरह मिलता है जैसे ही आप लोग ठाणे वेस्ट में आओगे। अभी हम चल के अंदर आपको प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। ये देखिए अंदर ओवरब्रिज का नज़ारा है, ओवरब्रिज पर कितनी ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पर इस तरह के ना कम से कम 7 से 8 ओवरब्रिज हैं। चलिए अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और आपको नीचे का भी नज़ारा दिखाते हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्राउड है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये ठाणे रेलवे स्टेशन का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ बारिश के मौसम में। और यहाँ पर लेडीज डिब्बा आता है ट्रेन का, इसलिए आपको सामने लेडीज ही दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अभी धीरे धीरे क्राउड और बढ़ जाएगी। बस 1-2 मिनट में यहाँ पर और ज़्यादा क्राउड हो जाएगी। जो आप देख रहे हैं ना, इसके 2 गुना से 3 गुना यहाँ पे भीड़ लगने वाली है, क्योंकि बराबर लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। भाई साहब 1 मिनट लेट होता है ना तो और ज़्यादा क्राउड यहाँ पर बढ़ती रहती है। देखिए वहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई है, वो ट्रेन पूरा खाली है, लेकिन ये जो है ना ये कल्याण रूट की ट्रेन है, इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। अभी जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी ना, यहाँ पे धक्का मुक्की भाई साहब चालू हो जाएगा और लोग उतरने भी नहीं देते हैं ट्रेनों में से और चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पूरा नज़ारा मैं जो है ना ठाणे रेलवे स्टेशन का आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बारिश के मौसम में देखिए प्लेटफॉर्म पर कितनी ज़्यादा क्राउड है। इसी तरह मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, ठाणे रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको क्राउड देखने को मिलेगा। वो आपको बता दें, बारिश हो या गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, कोई भी हो ना, इसी तरह की क्राउड हमेशा रहती है। बस दोस्तों 2 मिनट बाद यहाँ पे ट्रेन आने वाली है और देखिए अब जो भीड़ है ना वो ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। ये ठाणे रेलवे स्टेशन का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों इस रूट की ट्रेन आ चुकी है और अभी आप लोग देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की होने वाली है। अब मेरी आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं देगी आपको, तो मैं अपना अब वॉयस बंद करता हूँ। अब आप लोग बस देखिए ये नज़ारा।